जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकिड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हो लास्ट लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा से ही जनता के परेशानियों में जनता के साथ खड़े रहने वाले कल्याण पूर्व के आमदार ने मोरिया नगरी के खस्ताहाल सड़क के लिए रास्ते पर बैठकर इस रास्ते की दुर्व्यवस्था के लिए आंदोलन किया। आमदार गणपत गायकवाड़ ने आशेड़ा गांव और मानेड़ा गांव मोरिया नगरी के रास्ते पर गांव देवी मंदिर के बाहर सड़क पर बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर हवन कर मुख्यमंत्री के अच्छे आयुष्य की भी प्रार्थना की। मोरिया नगरी का यह रास्ता कल्याणपुर विधानसभा में आता है। आमदार गणपत गायकवाड़ ने बताया कि 2 साल पहले राज्य के तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से 11 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गई थी। आमदार की तरफ से यह भी बताया गया कि जानबूझकर अब ठाकरे सरकार के मंत्रियों की तरफ से इस रास्ते के काम को रोक दिया गया है। आपको बता दें, मोरिया नगरी की सड़क की बहुत ही बुरी हालत है। रास्ते पर पिछले 10 सालों से उल्लासनगर मनपा या कल्याण डोंबोली मनपा की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि साल 2000 में उल्लासनगर मनपा के तब के आयुक्त की तरफ से कैंप 4 के मुख्य बाजार में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए इस रास्ते का निर्माण किया गया था, लेकिन अब पिछले 10 सालों से इस सड़क को न तो उल्लासनगर मनपा ध्यान दे रही है, न ही कल्याण डोंबोली मनपा। इस रास्ते को कई बार बनाने के लिए मुहूर्त तो हुए, पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। आज इस रास्ते पर प्रशासन को जगाने के लिए रास्ते पर बैठकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। आइए जानते हैं आज के हुए इस आंदोलन पर आमदार गणपत गायकवाड़ क्या बता रहे हैं। पहले तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और उनका आयु और बढ़े, जनता की सेवा करे। लेकिन यहाँ पे मैंने 11 करोड़ का निधि मंजूर किया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, जिस टाइम देवेंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे उस वक्त 11 करोड़ का निधि मंजूर किया था, और ये निधि अभी तक जानबूझ के रोक के रखा गया। आप देखेंगे तो ये रास्ते पे कहीं पे भी रास्ता सही नहीं है, 1 फुट भी रास्ता सही नहीं, और सिर्फ राजकारण करने का इस हेतु से इन लोग ने निधि रुका के रखा है। ये KDMC में महापौर शिवसेना का है, यहाँ पे खासदार शिवसेना का है, यहाँ के पालक मंत्री शिवसेना के, इनके मुख्यमंत्री शिवसेना के, और आमदार को टारगेट बना के जानबूझ के हर जगह पे बोलते हैं आमदार क्या कर रहे हैं। लेकिन आमदार ने जो फंड लेके आया वो काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के लंबी आयु के लिए हमने ये होम किया हुआ है, उनकी उनको भगवान अच्छी सद्भावना देवे और कर के कर इसका ऑर्डर निकल के ये काम होए, इतनी हम विनती करते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।